गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग द्वितीय भाग कक्षा सात का चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ यानी कि चौथा पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बच्चों जो हास्य कवि सम्मेलन है, बालकों का, बच्चों का जो कवि सम्मेलन है, उसके बारे में बताया किस प्रकार वह श्रोताओं का मनोरंजन कर रहे हैं अपने हास्य कविताओं के द्वारा। देखिए, विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध भी अनेक वेशभूषाओं को धारण किए हुए चतुर्वारे में चार बाल कवि मंच के ऊपर, मंचस्मिश मंच के ऊपरी मिश ऊपर उपविष्टमिश बैठे हैं। रिपीट कर रही हूँ, अनेक वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर, ऊपरी मिश क्या होता है, ऊपर, उपरिमिश क्या होता है, ऊपर ऊपर उपविष्टमिश बैठे हुए हैं। अधः श्रोता रहा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः मिश क्या होता है, नीचे। नीचे श्रोता हास्य कविता श्रवणाय में सुनने के लिए उत्सुक है और शोरगुल करते हैं। कोलाहल मिश क्या होता है, शोरगुल करना करते हैं। तो बेटा रिपीट कर रही हूँ, अधमिश नीचे श्रोता, श्रोता मिश कहता सुनने वाले, श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल करते हैं। संचालक कहा, संचालक मिश क्या होता है, जो जो इस कविता का, इस कविता कवि सम्मेलन का को चला रहा है, यानी कि आपको चला रहा है, उसे हम संचालक बोलते हैं। तो संचालक है, संचालक अलम कोलाहन हलेन कोलाहल मत करो, अलमिस मत करो, शोरगुल मत करो। अध परम हर्षस्य अवसर यद अस्मिन कवि सम्मेलन काव्य हंतारः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। शोरगुल मत करो, अदमिस आज परम मत अत्यधिक हर्ष का अवसर है कि अस्मिन मिस इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः मिस काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य हंतारः मिस काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकश्च समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतमिस आए हैं। समागतमिस क्या आए हैं, रिपीट कर रही हूँ बच्चों। देखिए, आज परम अत्यधिक हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतमिस आए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आइए तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करते हैं। एतेषां में इनका, वयम मीन्स हम सब, करतल ध्वनिना मीन्स क्या होता है, तालियों से इनका स्वागत करते हैं या करें करते हैं। गजाधर, तो गजाधर क्या है, एक कवि का नाम है। देखिए, गजाधर है, गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस लोगों को, अरसिक रसिक मिस होता है रस युक्त, और जो एस वाला साइन होता है इसका मतलब होता है अ का स्वर होता है, का स्वर होता है, यानी कि रस से रहित। नमो नमः, सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिक वैद्यम उद्देशम स्वकीयं काव्यं श्रावयामि।
पहले मैं आधुनिक वैद्य उस पहले मैं उस आधुनिक वैद्य मैं आधुनिक वैद्य को संकेत करते हुए उद्देश्य में क्या था संकेत करते हुए स्वयं काव्य को सुनाता हूँ। रिपीट कर रही हूँ, पहले मैं उस आधुनिक वैद को उद्देश्य में संकेत करते हुए स्वयं की काव्य को सुनाता हूँ, स्वयं के बनाए हुए काव्य को श्रवण में सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। देखिए वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर यमराज के भाई यमराज के यमराज सहोदर में इसका भाई यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार नमस्तुभ्यम उनको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान यम तो प्राणों को हरता है परंतु वैद्यः प्राणान धनानी च और वैद्य जो होते हैं वैद्य में इसका चिकित्सक डॉक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में चिकित्सक यानी कि वैद्य और वैद्य तो प्राण और धन हरते हैं। रिपीट कर रही हूँ, वैद्यराज हे चिकित्सक महोदय यमराज के भाई तुमको मेरा नमस्कार तुमको मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान यम तो प्राणों को हरते हैं परंतु वैद्य प्राण और धन को हरते हैं। सर्वे उच्च ही हसंती सभी जोर से हंसते हैं, ऊंची आवाज में हंसते हैं उच्च में ऊंची आवाज में या जोर से हंसते हैं। कालांतक दूसरा कवि कौन सा आता है कालांतक उसका नाम है अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं श्रुणन्तु भवन्तः। अरे वेद तो सभी जगह है परंतु नाते मादृश कुशलः वे मुझ जैसे कुशल नहीं है कि वेद तो सभी जगह है परंतु मुझ जैसा कुशल जनसंख्या निवारण में ममापि मेरा भी काव्य इदम श्रवंतु भवन्तः यह सुनो आप यह काव्य भी सुनो कौन सा जनसंख्या निवारण के लिए जनसंख्या के निवारण के लिए मेरा भी काव्य सुनो। रिपीट कर रही हूँ कालांतक है कालांतक अरे वैद तो सभी जगह वैद तो परंतु मुझ जैसा कुशल जनसंख्या निवारण का ममापि मेरा भी काव्य यह काव्य सुनो भवंत मिस आप यह काव्य भी सुनो। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः न हम गतौ न मे भ्राता कश्चिद् हस्तलाघम। चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा जलती हुई चिता को देखकर है ना चिंता नहीं है जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मय आगतः। वैद्य क्या होता है आश्चर्यचकित होता है चिकित्सक आश्चर्यचकित होता है किसको जलती हुई चिता को देखकर। न हम गतो ना मैं भ्राता ना तो मैं गया हूँ ना मेरा भाई कश्चिम एदम हस्तलागम इसमें किसका हाथ है ना तो मैं ही गया हूँ उसे उस व्यक्ति को मारने के लिए और ना ही मेरा भाई यानी कि वैद्य गया है तो किसका हाथ है। हस्तलागम किसके हाथ की सफाई है हस्तलागम इसके हाथ की सफाई है। रिपीट कर रही हूँ चिताम प्रज्वलिता जलती हुई चिता को दृष्टवा में देखकर वैद्य चिकित्सक आश्चर्यचकित होता है। ना हम गतो ना मैं गया ना मे भ्राता ना मेरा भाई कश्चिदम हस्तलागम ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती सभी पुनः में फिर से हंसते हैं। नेक्स्ट देखिए तुंदिलहा ये भी कवि का नाम है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन तुंदस्य मीन्स कहता है पेट के ऊपर तौंद के ऊपर या पेट के ऊपर तौंद भी बोल सकते हैं तौंद या पेट पेट के ऊपर हाथ आवर्त्यम फेरते हुए पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए
तुंडलो अहम भो, अरे मैं तुंडिल, मैं पेटू, ममापि भो मिस अरे, अहम मिस मैं, जो एस का साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, अ, तो मैं तुंडिल, अरे मैं तुंडिल, ममापि मेरा भी, इदम इदम इस ये है, काव्यम श्रुताम मेरा भी काव्य सुनो, जीवने धारतम च, और जीवन में धारण करो, धारतम इस धारण करो, परानम प्राप्ते प्राप्ते दुर्बुद्धे मां शरीरे दया करुं करुं, परा अन्नम दुर्बलम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए पराए अन्न को, दूसरे के अन्न को प्राप्त पाकर दुर्बुद्धि, दूसरे दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाले, बुरी बुद्धि वाले दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, परान्न मीन्स कहता है दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो, माँ मीन्स नहीं करो, शरीर पर दया मत करो, ये दुर्बुद्धि वाले मनुष्य दूसरे का अन्न प्राप्त कर कभी भी शरीर पर दया मत करो, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, पराया अन्य है ना, दूसरों से प्राप्त अन्य कठिनाई से प्राप्त होता है इस संसार में, पराया अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, लोके शरीराणि पुनः पुनः, इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाता है लेकिन पराया अन्न, दूसरों के प्राप्त किया अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से अट्टहास में जोर जोर से हंसने लगते हैं। रिपीट कर रही हूँ, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल, ममापि इदम काव्यम श्रुताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, जीवने धारितम च, और जीवन में धारण करो, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि पराय अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो, परा अन्नम दुर्लभम, पराया अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, लोके शरीराणि पुनः पुनः, और संसार में शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। चार बार कहा, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव मेव, शरीर के पोषण के लिए सर्वथा में हमेशा उचित ही है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ ए भोक्तव्यम, यदि धन नहीं है तब ऋण करके पौष्टिक पदार्थ ही भोग करो, मतलब पौष्टिक पदार्थ ही खाओ ऋण कर भी, तथा कथयति चरवाक कवि, वैसा कहते हैं चरवाक कवि, यावत जीवते सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद, जब तक जीवित हो, यावत में जब तक जीवित हो, सुख से जियो, ऋण करके भी घृत पियो, यानी कि घी को पियो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी उस पौष्टिक भोजन करना चाहिए। रिपीट कर रही हूँ, चार्वाक कवि क्या कह रहा है अपनी कविता में, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर की पोषण के लिए हमेशा उचित ही है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृतमपि पौष्टिक पदार्थ ए भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ का भोग करो, यानी कि पौष्टिक पदार्थ खाओ, तथा कथयति और कहते हैं चरवाक कवि, वैसा कहते हैं चरवाक कवि, यावत जीवति जब तक जीवित जीते हो, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, ऋण करके घी को पियो, इस प्रकार चरवाक कवि अपनी हास्य कविता के साथ व्यंग करते हैं। श्रोता सुनने वाले, त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो ऋण को कैसे लौटाएं, प्रत्यर्पण मीन्स क्या होता है लौटाना, तो ऋण को कैसे, कथम इस कैसे लौटाएं,
चारवाकः श्रुतां मम अविष्ट अवशिष्टं काव्यं सुनो मेरा बचा हुआ काव्य। सुनो मेरा अवशिष्टम सिस्टम इस क्या है बचा हुआ काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रयते जनः, घी पीकर श्रम करके मतलब परिश्रम करके ऋण को लौटाओ लोगों को, लोगों को ऋण मतलब कर्ज को लौटाओ, लोगों के कर्ज को लौटाओ। घी पीकर मेहनत करके ऋण लोगों के ऋण को लौटाओ, प्रतिमिस लौटाना लौटाओ, ठीक है। तो चारवाक क्या कहता है, श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा बचा हुआ काव्य। घृतम पीत्वा घी पीकर श्रम करके कर्ज को लोगों के कर्ज को लौटाओ। काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचति हर्षपूर्वक च श्रावती। काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित हुआ उत्साहित हुआ एक बालक भी आशु कविता मीन्स क्या होता है तत्क्षण उसी समय बनाई हुई, आशु कविता मीन्स क्या था उसी समय बनाई हुई बनाई हुई हास्यपूर्वक बनाई हुई कविता हर्ष और हर्षपूर्वक सुनाता है। कौन, एक बालक, जहाँ श्रोताओं में सुन रहा था तो एक बालक भी हंसता हुआ उत्साहित होता हुआ उसी समय रचित हास्य कविता को सुनाता है। बालकः श्रुताम श्रोताओं, श्रुताम बभो श्रोताओं सुनो, अरे सुनो, अरे श्रोताओं सुनो। ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चर्वाकम च नमा नमाभिहम। देखिए गजाधर कवि और ही तंदुल भोजन का लोभी, तंदुल भोजन का लोभी कालांतक तथा वैद्य और चरवाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रवित्वा काव्य को सुनकर हाहा इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। रिपीट कर रही हूँ, श्रुताम 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 वो, अरे श्रोताओं सुनो। ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, कौन कह रहा है, बालक कह रहा है। उन श्रोताओं में जब उनके हास्य जो कवि थे बाल कवि थे जो सुना रहे थे अपनी कविता, उन श्रोताओं में बैठा हुआ एक बालक भी हंसता हुआ आता है और अपनी उसी समय रचित एक कविता काव्य सुनाता है। तो सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो, गजाधरम कवि गजाधर कवि और भोजन का लोभी तुंदिल कालांतक तथा वैद्य और चरवाक को मेरा भी नमस्कार। काव्यम श्राविता काव्य सुनकर हाहा इति कृत्वा हसन्ति, इस प्रकार करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति सभी घर जाते हैं। तो बच्चों ये उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अपने रीडिंग आप अच्छी तरह से वीडियो देखना और रीड करना और इसका हिंदी अनुवाद समझना। तो बच्चों अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है, पहले अपना रीडिंग करनी है बुक की और हिंदी ट्रांसलेट करके देखना है, और नहीं समझ में आए तो वापस से आप वीडियो देखना और हिंदी ट्रांसलेट नीचे अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है बच्चों। ध्यान से लर्न एंड राइट, ट्रांसलेट करनी है, हिंदी अनुवाद करना है, संस्कृत भी लिखनी है और आपको हिंदी अनुवाद भी करना है। धन्यवाद।